देश में मंकी पॉक्स की रफ्तार बेशक इस वक्त धीमी है, ऐसे में इस वक्त जो है हम एक लैब में हैं जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब है। यहाँ पर तमाम तरह की टेस्टिंग होती है, कोरोना की टेस्टिंग होती है, लेकिन मंकी पॉक्स को लेकर किस तरीके की तैयारी है, आइए चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जब हम इस रूम में आए हैं तो आप देख सकते हैं स्टार इमेजिंग के डायरेक्टर डॉक्टर समीर खुद यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि स्थिति जिस तरीके से परिवर्तित हो रही है ऐसे में चिंता सबके लिए बहुत बड़ी है। आप खुद यहाँ मौजूद हैं, क्या लग रहा है, किस तरीके की क्वेरीज आ रही हैं, क्योंकि अभी बहुत लोग नहीं जानते हैं कि इसकी टेस्टिंग जो है सिर्फ और सरकारी तंत्र के थ्रू हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि इसको लेके बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा हम कोविड के समय में बात कर रहे थे ये उतना ज़्यादा कंटेजियस यानी संक्रामक या घातक नहीं है। रही बात टेस्टिंग की, जैसा आपने पूछा, तो टेस्टिंग के अंदर देखिए सबसे पहला जो एक स्टेप आ जाता है कि इसका सैंपल किस तरह से लिया जाएगा। हालांकि अभी ये गवर्नमेंट सेटअप के अंदर इसका टेस्टिंग हो रहा है, सैंपल लेने की जो प्रक्रिया है जैसा कि हम कोविड के अंदर देखते थे कि उसके अंदर आपका नेजोफेरिंजियल सैंपल लिया जाता था, कुछ स्वैब स्टिक इस तरह की स्वैब स्टिक होती थी जिसके जरिए हम नाक से और मुंह से सैंपल लेते थे। इसमें नाक से और मुंह से तो लिया ही जा सकता है, बट एक बहुत महत्वपूर्ण, जैसा कि लक्षणों के बारे में हम कई दिनों से बात कर रहे थे, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो लक्षण होते हैं जिसके अंदर बॉडी पे रैशेज आ जाते हैं, मतलब चकते से बन जाते हैं, वहाँ से ये सैंपल लिया जाता है। तो वहाँ से ये सैंपल जी हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर मंकी पॉक्स को एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश भी की गई है, मैं समझना भी चाहूँगी। और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि जो अब स्वैब कोरोना वायरस में जैसे लिया जाता था, नाक से स्वैब, गले से स्वैब लिया जाता था, इसमें किस तरीके की प्रक्रिया बदली है, क्या कुछ डिफरेंट है, ये समझाएं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें जिस तरह से हम देख रहे हैं, इस पिक्चर में भी दिखाया, इस तरह के जो रैशेस बन जाते हैं, इन रैशेस पे से ये सैंपल लिया जाता है। इसमें हम दो तरह के, दो जगह से, अलग अलग जगह से इसको सैंपल लेते हैं, बट उसी जो स्वैब स्टिक होती है उसी की मदद से। और इसमें कुछ एक दो हमने जैसे ये दिखा रखे हैं सैंपल लेने के लिए, इन चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ती है। ये इससे हम जो आपका वहाँ पर क्रश सा बन जाता है उस सैंपल में, उस सैंपल का ऊपर का हिस्सा और उस सैंपल का नीचे का हिस्सा लिया जाता है। और आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं ये जो प्रक्रिया रहती है, इस तरह का जो आपका ये आपका जो लीजन बना हुआ है, इस लीजन को हम सैंपल लेते हैं। और ये कि ऐसी इस तरह की ट्यूब होती है, इस ट्यूब के अंदर फिर इस सैंपल को डाला जाता है। ये हम इस तरह की कुछ दिखा रहे हैं ट्यूब, इस तरह की छोटी ट्यूब होती है, और कई बार हमें इस तरह की, हम इसको कहते हैं इंट्राडर्मल सिरिंज, इसकी भी आवश्यकता पड़ जाती है। अगर जो आपके इस तरह के लीजन हैं और जो इस तरह के चकते हैं उनमें अगर पानी भर जाता है तो वो भी सैंपल हमें कई बार लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। पर इसमें हम दो सैंपल लेते हैं ताकि जांच की प्रक्रिया इसके अंदर ठीक तरीके से की जा सके। यानी जो नाक और गले से स्वैब लिया जाता था कई बार बड़ी कठिनाई होती थी, लेकिन इसमें वो प्रक्रिया बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। इसमें एक जो वाटर होता है एलिमेंट, जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक चकत्ते टाइप का है, उसमें पानी निकालना और फिर उसके बाद इसको आगे की प्रक्रिया में भेजा जाता है। तो आगे की प्रक्रिया क्या होती है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब ये सैंपल ले लिया जाता है, हालांकि जैसा मैंने बताया है कि इसको टेस्टिंग के लिए आप ब्लड टेस्ट भी इसमें किया जाता है, यूरिन का टेस्ट भी किया जा सकता है, और जैसे हम कोरोना के लिए स्वैब लेते थे वो भी किया जा सकता है। पर जो ज़्यादा इफेक्टिव है, जहाँ पर आपके रैश हैं, उस रैश से ये जब सैंपल लिया जाता है, उस चकते से जब सैंपल लिया जाता है, तो जाँच और भी अच्छी तरीके से होती है। ये लेने के बाद जैसा इस ट्यूब के अंदर ये सैंपल डाल देते हैं प्लेन ट्यूब में, फिर कोरोना की तरह ही जिस तरह से इस ट्यूब को प्रॉपर लेबल किया जाता है, उसमें नंबरिंग वगैरह सब, और इस तरह का जिप लॉक होता है उसके अंदर, इसको पैक कर दिया जाता है अच्छे से। पैक होने के बाद इस तरह का एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और उस बॉक्स में इस सैंपल को रखा जाता है, और ये फिर आपकी जो मॉलिक्यूलर लैब है उसके अंदर पूरी प्रिकॉशन के साथ जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे कोविड के समय आपने देखा होगा कि जब सैंपल लिया जाता है तो जो टेक्नीशियन या हेल्थ केयर वर्कर या नर्सिंग स्टाफ है वो पीपीई पहनती है पूरी तरह से, इस जाँच में भी उसी तरह से पूरी तरह से वो पीपीई पहन के, और जो भी सस्पेक्टेड है जिनका लग रहा है हमें हो सकता है, उनका सैंपल लेते हैं, तो वो पूरी प्रिकॉशन और पूरी सावधानी के साथ सैंपल लेते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कोरोना में कंटेजियस था, मतलब जिस तरीके से फैल रहा था बड़ी तेजी से, क्या उसी तरीके से इसमें भी देखा जा रहा है क्या? हाँ, देखिए मंकी पॉक्स के लिए बता दें कि ये उतना ज़्यादा संक्रामक नहीं है,
और ना ही उतना ज़्यादा घातक है जिस तरह से कोविड में हम देख रहे थे। तो ये उस तरह से संक्रामक उस स्पीड से उस गति से नहीं, क्योंकि बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट आने में ही ये फैलता है, बट निश्चित तौर पर उस तरह से संक्रामक नहीं है। और ये कोई नया भी वायरस नहीं है, ये पहले भी था, बट क्योंकि अभी इसके केसेस कुछ ज़्यादा देखे गए हैं 75 से ज़्यादा अधिक देशों में, इसलिए WHO ने इसको एमरजेंसी के तौर पर घोषित किया है। जी, अब चूंकि आपने बड़े बारीकी से समझाया कि किस किस तरीके से सैंपल को इकट्ठा किया जाता है, कैसे पैकिंग होती है, फिर इस बॉक्स में डालकर जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रूम होता है वहाँ लेकर जाया जाता है, तो वहाँ भी एक बार हम चलना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि इसके बाद की प्रक्रिया क्या है, ताकि जो News 24 के दर्शक हैं डॉक्टर, वो बेचैन ना हो, हताश ना हो, घबराए नहीं, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, तो जाहिर तौर पर मंकी पॉक्स को लेकर भी उनके अंदर बहुत सारे सवाल है। वही सवाल ये समझना चाह रहे हैं कि उसके बाद प्रक्रिया क्या होती है। जी जी, जो इसकी जांच की प्रक्रिया है, इसमें जो उपकरण है वो सेम उसी तरह के उपकरण हैं, वही उसी तरह की मशीन है जो आप कोविड टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि ये भी काफ़ी ज़्यादा ये भी संक्रामक होता है, तो निश्चित तौर पर जो इस लैब के अंदर, जैसा कोविड लैब है ये और इसमें सभी PPE किट के साथ इसके अंदर काम करते हैं, तो जैसा हमने देखा उस बॉक्स में ये सैंपल रख दिया जाता है, उसके बाद ये यहाँ आता है और उसके बाद इसको एक ये पास बॉक्स होता है, इस पास बॉक्स के थ्रू इस सैंपल को एंट्री करने के बाद जो मेन लैब है वहाँ पर इसको भेजा जाता है, जहाँ पर जाँच की जाती है। तो ये देख रहे हैं ये आप पास बॉक्स है, और इस पास बॉक्स के ज़रिए ये मेन लैब के अंदर जाएगा, और आगे हम दिखाएंगे इसमें एक आप देखेंगे कि एक बायोसेफ्टी कैबिनेट है, उस बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर ही इसको खोला जाता है, जिस तरह से हमने कोविड के समय भी देखा था, जो कोविड सैंपल भी है उसी के अंदर खोले जाते हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई कंटामिनेशन ना हो और हेल्थ केयर वर्कर और जो भी सभी लैब में काम कर रहे हैं उनके वो भी सुरक्षित रहें। जी, अब ये डॉनिंग रूम है जहाँ यहाँ जो एग्जैक्टली जो यहाँ पर है एक्सट्रैक्शन का काम जी, होता है, जैसा मैंने अभी बताया कि जो वो सैंपल है पास बॉक्स से जाने के बाद उस सैंपल को जब ओपन किया जाता है तो ये बायो सेफ्टी कैबिनेट है, इस सेफ्टी कैबिनेट के अंदर ही उस सैंपल को, ये वो जगह है जहाँ पर खतरा हो सकता है वायरस का फैलने का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और बाकी आगे के जो इसके इक्विपमेंट है उसी तरह के, इसका सैंपल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, वो आपका हम जैसा कोविड के बारे में बात कर रहे थे वो RNA वायरस था, ये DNA वायरस है, तो इसकी टेस्टिंग की प्रक्रिया जो कोरोना से है उससे थोड़ी कम हो जाती है, समय इसका भी ओवरऑल उतना ही, रिपोर्ट रिलीज करने में उतना ही समय लगता है, तो इन प्रक्रिया के बाद गुजरने के बाद हम जैसा इसके लिए भी जो मेथड है, जो टेस्टिंग का मेथड है, उसको हम PCR ही कहते हैं, जैसे कोविड के लिए भी PCR, जी जी, तो मंकी पॉक्स के लिए भी PCR टेस्ट ही होगा, और इसकी जो अंतिम प्रक्रिया होगी उसमें इस तरह की PCR की मशीन होती है जिसके अंदर इसको सैंपल को फीड किया जाता है, और इसमें फिर उस तरह का कुछ ग्राफ आता है जैसा आप देख रहे हैं, ये रिपोर्ट बनती है, इसको फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट रीड करते हैं, और इसमें जब हम रिपोर्ट की बात करें तो जैसा हम कोविड के अंदर भी देखते थे उसी तरह से उसकी रिपोर्ट कुछ आएगी, उसमें लिखा हुआ आएगा कि डिटेक्टेड, मतलब आप मंकी पॉक्स वायरस है कि नहीं है, या नॉट डिटेक्टेड या नहीं है, या कई बार ये इनकंक्लूसिव भी हो सकता है कि अगर सैंपल ठीक से ना लिया गया हो तो दोबारा से फ्रेश सैंपल लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। जी, तो जितनी बारीकी से आपने समझाया, स्टेप बाय स्टेप समझाया, उससे मुझे लगता है कि News 24 के दर्शक स्पष्ट तौर पर समझ गए होंगे, और इसकी जो प्रक्रिया है थोड़ी बहुत अलग है जो शुरुआती हम कह सकते हैं कि सैंपल कलेक्शन का जो एक प्रक्रिया होती है वहाँ पर अलग है, लेकिन बाकी जो प्रक्रियाएँ हैं वो बिल्कुल एक जैसी ही हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा भी कि विश्व भर में अगर आप देखें तो अभी वो हालात नहीं है और ना ही इससे फर्टिलिटी ज़्यादा हुई है, यानी WHO की जो रिपोर्ट कहती है कि मात्र 3% तक ही मृत्यु दर देखा गया है इसमें, और भारत में तो अभी 4 मामले ही आए हैं, लेकिन तैयार रहने की ज़रूरत है, और इसीलिए डॉक्टर साहब आप लोगों ने भी तैयारी कर रखी है और आप लोग खुद ही नज़र बनाए हुए हैं। जी जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे और सरकार भी अभी सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है कि सर्विलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जैसे अगर कोई पॉजिटिव केस आया तो जो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो बहुत ज़रूरी है, तो आगे आने वाले समय में अगर इस तरह से सर्विलेंस को बढ़ाना पड़ा तो निश्चित तौर पे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको ज़रूर इस सर्विलेंस के अंदर शामिल होना पड़ेगा। कल बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग भी हुई थी और दिल्ली में केस भी आ गया है, तो क्या सरकार की तरफ से आप लोगों को भी एक अलर्ट जारी किया गया है कि आप लोग भी तैयार रहें अगर ऐसी
स्थिति पैदा होती है जहां केसेस बढ़े तो? देखिए, इस तरह से मैं आपकी बात करूं कि कंटेजियस डिजीज़ के लिए अब ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, जैसा हम बात करें, और PCR लैब की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अभी फ़िलहाल ऐसा कोई डायरेक्शन और निर्देश आए नहीं है, पर जैसे आता है तो मैं समझता हूँ कि सभी लैब उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है। और मैं समझता हूँ सर्विलेंस को लेके और जो हम बात कर रहे हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेके और टेस्टिंग की जो कैपेसिटी है उसको लेके किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। तो घबराइए नहीं, क्योंकि आपके आसपास ऐसे एक्सपर्ट, ऐसे डॉक्टर हैं जो कि पूरी स्थिति को देख रहे हैं और जानकारी बटोर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। और जैसा डॉक्टर समीर भाटी ने कहा भी कि देखिए, इस तरीके का अभी माहौल नहीं है, ना ही ये कंटेजियस है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं। बस फिक्र इतनी करनी है कि अगर इस तरीके के सिम्टम आपको नज़र आते हैं तो अलर्ट हो जाइए और तुरंत सरकारी तंत्र को इन्फॉर्म करें ताकि आगे की प्रक्रिया आसान हो सके। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।